मतलब बचपन तो ही शुरू हो गया था, क्योंकि फैमिली में मेरा वालिद साहब है जैसा है ना, निका बच्चा ना लेरी दे रहा स्नान वो उस मतलब उस तो जो भी हमारा आने में अगर आ रहे ना सैटरडे ले आऊंगे ऑफिस तो वे हमारा लोरी देने जिसरा बाबा निजामुद्दीन साहब और मियां निजामुद्दीन सोलह साहब और एक बैत ही है उस तू वास्ता रब का रेम कर हाँ टोला मेरे गोला तेरे गोलियां का, पर हमारा पूरा नहीं था हम खाली पापा रहा ना इतना कमा का हमारा टोला गोला सुनाओ हम सो वहां उस टोला गोला तो ये स्टार्ट हो। उस तू बाद मेरी एक कजन सिस्टर थी हमारा घर में तो उन्होंने मैंने स्कूल में ले जाओ नाल शुरू किया, शायद का कोई प्रॉब्लम रही ऑब्वियसली मम्मी और तंग करो या कि उन्होंने उत टीचरों का पता चले क्यों कुछ थोड़ा बहुत गाऊं तो उन्होंने मिला कि यो के कुल्फी की लालच दे करवाना स्टार्ट किया। आज के मेरी एडमिशन नहीं थी बहुत ही छोटी थी, कुल्फी की लालच दे था रोज की तीन कुल्फी लगाएगी तू स्टेज पर चढ़ गाओ तो मेरे काफी ज्यादा मावरो खुल गयो की कुल्फी की लालच माई चले जाऊँ थी स्टेज पर। बहुत लोगों को भी बहुत ही छोटी तीन चार साल की एज रहेगी मेरी उसने इतना मतलब गाना मारे तो मेरी गल टैली थी पर कुछ लाइन थी साई फकर दीन ने किताब में आती है कुछ लाइन हम गल अजब या का तमना तम गैर पहचानो ना हमना ये मोड गाना स्टार्ट किया तो बाहर कल्चर का लोग था वो टीचर था बच्चा था उन्हें बहुत पसंद आवा था मेरा को रोज रोज बता रहे हैं मतलब ये जो था रोज तालीमी सफर है उसके बारे में कुछ दसो कि तालीम मतलब इसलिए ख्वातीन माँ खासकर मारा कभी लाइक ख्वातीन माँ तालीम बहुत कट है हमने कितु कितु तालीम हासिल की। डॉक्टर साहब मैं पहला तो जेडी मेरी बेसिक तालीम है सा आठवीं क्लास तक या गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल सलवा है उतो ही भी है सलवा सारा कर तू कितनो जी सलवा एक्चुअली हम कालाबंद विच सलवा सेटल हो गया वहां मेरो बर्थ कालाबंद हुआ है पर मेरी स्कूलिंग का सलवा तो ही भी है। अच्छा हां जी तो उस तो बाद 9th टू लेकर 12th तक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्कूल पहुंच तो ही भी है जी जी उस तो बाद मैं पॉलिटेक्निक की भी है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक विक्रम चौक तो जी फिर मैं बीटीएस की है बैचलर्स इन टूरिज्म स्टडीज या इग्नू की है। अच्छा जी उस तो बाद एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट लकी है जम्मू यूनिवर्सिटी तो। अच्छा जी मतलब तुमने पहला तो इनको पढ़ने शुरू किया फिर पॉलिटेक्निक में चले गया जी जी फिर बीटेक जी बीटीएस बैचलर्स इन टूरिज्म स्टडीज जी फिर एमबीए एमबीए मास्टर इन बिजनेस मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट मतलब एमबीए इन टूरिज्म जी जी अच्छा अच्छा टूरिज्म में कर गए जी तो तुमने के लगे कि मतलब टूरिज्म के नाम काम करना लिया इसमें पढ़ाई करना की स्कोप है बच्चा वास्ते है कि वो आगे बढ़ सके टूरिज्म में अगर वो पढ़ाई करना चाहे। डॉक्टर साहब टूरिज्म एक जो सर्विस सेक्टर है और इस टाइम में सर्विस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो हम देखेंगे कोई भी लोग मतलब बहुत अपने मतलब अमीर हो गए हैं और एक तरह भी आपने मतलब एक जगह तो दूसरी जगह रिलैक्सेशन वास्ते भी जेला कि मेडिकल नीड है उन्होंने वास्ते भी लोग जेला और वे काफी ना लोगों को आने जाने काफी आम हो गया है उसने अगर हैंडल करने वास्ते अगर किधर भी लगेगा तो वो टूरिज्म प्रोफेशनल लगेगा। दुआओं तो हम दसना चाहेंगे टूरिज्म में कितनी ब्रॉड फील्ड है ये होटल्स ना कवर करा एयरलाइंस ना कवर करा बाकी डेस्टिनेशंस वगैरह ना कवर करा मतलब बहुत सारी चीजें जो टूरिज्म फील्ड है जी कवर कर ली बहुत सारी अगर रास्ता जिसने जाना होगा तो बहुत सारा मतलब होटल इंडस्ट्री में तम जा सके तम एयरलाइंस में जा सके तम बाकी डेस्टिनेशन मैनेजमेंट में उस जा सके और मोरओवर तम एमबीए है तो तम किसी भी बैंकिंग सेक्टर किधर भी जा सके। अच्छा। जी जी तो इसमें आगे की पढ़ाई है जी ये तुमने इसमें ग्रेजुएशन की फिर इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की टूरिज्म में जी इसमें आगे की मतलब इसको आगे की पढ़ाई इस तो अगर पीएचडी तक भी है टूरिज्म में बहुत सारे लोगों ने जी कड़ी कड़ी यूनिवर्सिटी तो तुमने की है एमबीए जी मैं एमबीए किया जम्मू यूनिवर्सिटी तो और जेडी मेरी मतलब बैचलर्स है वहां मैं किया इग्नू तो। अच्छा हाँ क्योंकि जे एंड के में ऐसी कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं थी इसमें रेगुलर वे टूरिज्म पढ़ाता में उसकी वजह से मेरा कॉरेस्पॉन्डेंसी करनी पड़ी नहीं तो। अच्छा 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 जी तुम के स्कोप देखे हैं पॉलिटेक्निक में तुमने किस स्ट्रीम में किया वो भी टूरिज्म है। अच्छा उसमें भी तुमने टूरिज्म ना जी मतलब जो टूरिज्म उतु ही शुरू किया तुमने एक जो टेक्निकल एजुकेशन में टूरिज्म है जी जी अच्छा उसमें की है उसमें टूरिज्म में डिप्लोमा है जी टूरिज्म में डिप्लोमा है उसमें के सिखावे टूरिज्म होटल मैनेजमेंट जी जी एयरलाइंस ऑपरेशंस। अच्छा बस वही डेस्टिनेशन वही पढ़ता है मतलब इतना साल तो बार आगे आगे मतलब ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त कोई नौकरी चोकरी है कुछ मतलब सरकारी सत्ता के ऊपर कोई इस तरह सिलसिला है या नहीं है या
होना चाहिए कैंप में? पहले आप सेवन लेक्स आ गई, इंदा रियासी वाली साइड जाना, इतावी दगन टॉप आ गई, किश्तवाड़ वाली साइड जाना, सिंथन टॉप आई, जे के में हमारा को नेचुरल रिसोर्सेज है और बहुत ही ज्यादा है। पर एक मेन प्रॉब्लम यह है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसकी वजह तो शायद ही टूरिज्म जॉब लोगों ने बहुत घट लग है, और मतलब आने वाला टाइम अगर डेवलपमेंट हो जाएगी मैंने लगा जे एंड के में सब तो ज्यादा प्रोफेशनल तमना टूरिज्म का ही लगेगा। अच्छा जी जी, टूरिज्म के नाल नाल हम गल करांगा कि खातीन जड़ी मारा कभी लगी है जी, उसमें देखो जी तालीम नहीं है, और जो सर्वे आयो 2011 में जी सेंसिस वो जो सर्वे उसने दस्यो जी के हर 10 में जड़ी है वे 8 जड़ी औरतें वे अनपढ़ है जिन्होंने बुनियादी पढ़नो लिखनो नहीं आता जी जी, तंग के देखने लगा हुआ इस लैके बींग मतलब ये ट्राइबल वुमेन के स्कोप है औरतों को जनानियां को कलसरियां को इसमें कि उन्हें तालीम दी जाए और उन्हें आगे आने चाहिए उन्होंने पोटेंशियल पैदा की जाए, तुमने क्या देखा जी? मैं एक चीज ऑब्जर्व की है कि अगर हमारी दसवां दो औरत पढ़ी है आठ अंक पढ़े उसको सब तो बड़ा रीजन ये हो गया कि मोस्टली जरा मतलब गुजर बकरवाल लोग हैं, एक जगह सेटल नहीं है, एक जगह तो जो मतलब नुमाइंड से कहना एक जगह तो दूसरी जगह ना आना जाने लग रहा है, उसकी वजह से प्रॉपर तरीका ना सेटल हो गया भी अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता जी जी। दो हम कहा कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत घट है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सका, रोड प्रॉपर तरीका ना बिल्ड नहीं है, बहुत दूर जेडी बच्ची अगर स्कूल आवेगी शाम वाला कार आवे कि ना कि पेरेंट्स भी इनसिक्योर हो जाए कि मतलब शाम अंधेरा में हमारी बच्ची कार किस तरह आवेगी, तो सब तो बड़ी गल है कि कुछ लोगों को इतना मतलब सरमाए भी नहीं है कि वे अपनी बच्चियां ना पढ़ा सके, बहुत सारा लोग है इस तरह का जिन्होंने को मतलब पैसा की वजह तो भी अपनी बच्चियों ना तालीम नहीं दे सकता। अच्छा जी, तो एक मतलब छोटी उम्र की शादी को रिवाज है ना जो जी जी, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो छोटी उम्र में शादी करनी एक मतलब पेरेंट्स ने लगा कि हमारी जिम्मेवारी है तो हम कर दें, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है हम ये कर दें, पेरेंट्स भी शायद किधर एक अच्छी सोच लेकर चले कि हमारी बच्ची टाइम पर सेटल हो जाए, पर उसका नाल नाल मोस्टली ये होता आएगा कि जो मैच्योरिटी लेवल है काफी लोगों को मतलब जो मैच्योर नहीं होता इमैच्योर है उन्होंने शादी कर दें उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आवे, खासकर लड़कियां ना पहला तो उन्होंने दुआ मतलब तम देखेगा कि हमारा अगर एक क्लास बच्चे दूसरी क्लास में जाना पड़े तो कितनी मुश्किल रह जाएगा हमारा सेटल होता है एक कॉलेज बच्चे दूसरा में फिर एक घर बच्चे नाना से ज्यादा हम सोचो कि दूसरी जगह सेटल होने की तो बहुत बड़ी गल है, और अगर तम किसी 16-18 साल की बच्ची की शादी कर देगा तो उसने तो बेचारी ना जी सोच भी नहीं हो सकती, उसको तो बात है जो अपना बचपन में जी रहे काफी मतलब देखेगा लोग की बच्ची है जी एडजस्ट नहीं कर पा रही। हम के समझे लगा हुआ कि जी इसलिए कबायली औरत है जी अलसरी है मारा कबीला की उन्होंने की हकूक हासिल है जेड़ा आम क्योंकि तुमने जम्मू में पढ़े हो तुमने दुनिया में देखियो बाहर निकल के देखियो तुमने के लगे लगो कि मारी जी औरत है सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि एक लड़की जो कम थारो लड़को कर सके जो रेजिग्नेशन वो ले सके वो शायद मुश्किल ना लगो पर एक लड़की आराम ना ले सके जी तक मेरी सोच है। तो इस वास्ते कुड़िया ना मतलब यह बहुत जरूरी है कि लड़कियों की तालीम बहुत जरूरी है उन्होंने तालीम प्रॉपर तरीका ना दी जाए, और दूसरा नंबर की है कि किधर ना किधर वही है इनसिक्योरिटी है पेरेंट्स इनसिक्योर फील करें अपनी बच्चियां ना करूं बाहर कटता मां शायद वो समाज ना देखें शायद वो समाज भी परवाह करें उस चीज ना ले जाए तो मतलब वह इनसिक्योरिटी ज्यादा है। तम के समझे लगाओ कि वक्त का गुजरन के नाल मारा कबीला में भी या जानकारी आवे लगी कि भाई अपनी जी कलसरी है बच्ची है जी उन्होंने पढ़ाओ कलसरी ना बराबरी का हकूक दो जी जी मतलब ये तो वे डिजर्व करें ना उन्होंने उन्होंने हक है उन्होंने लगना चाहिए बुनियादी हकूक उन्होंने पढ़ाई अगर एक मतलब एक बाप की दो औलाद है एक लड़को है एक लड़की है इन्हें बिल्कुल ये डिफरेंस है वो खत्म कर देना चाहिए हमें बराबर ही लेकर चलना चाहिए क्योंकि मतलब जिसका बच्ची किसी का कर्मा पैदा वैदा किया जाए या खुदा की रहमत है मैंने कहा इस चीज में किया जाए कि खुदा की रहमत पैदा हुई अगर वह खुदा की रहमत है तो हम खुदा की रहमत में भी उतना हक दे जितना अपना लड़का ना दिला आज तक हमें देखे वाह हमारा लोग लड़का ना दिल
दिल्ली भेजी, लड़का ना चंडीगढ़ भेजें, बैरूनी मुल्क भेज दें तालीम वास्ते, पर एक लड़की ये बहुत सारा सपना भी हैगा वह बेचारी उतना ही घुटती रही उसना मतलब नहीं जान देता यानी कि पेरेंट्स ना ये की जे तम के दसेगा के की जे मतलब औरत ना के करना चाहिए कबीला भी औरत ना के करना चाहिए हमारे कबीला भी के वो सिस्टम के खिलाफ तो उठ नहीं सकती जी जी मुकद्दम है चौधरी है कारगा बड़ा है कारगा बड़ा है भी बहुत सारा है ना मतलब ग्राम के बीच भी एक तरह वो है जेड़ा हमारे लोग खाना बदोश है उसका मुकद्दम है ऊपर लोग बैठा में रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना करो या गल ना करो ऐसा मैं क्या करना चाहिए कबीला भी होता ऐसा मैं अपना अवेयरनेस की बहुत जरूरत है जी 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 मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस है उसकी वजह से सब हो रही है अपना सब तो पहला अवेयरनेस ओबियसली जेड़ा लोग पढ़ लिखे आए अगे निकली आए उन्होंने आनो चाहिए अगे फील्ड में जी तो आज तो तुम बतवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो दो रहा हर कार में मोबाइल है एंड्रॉइड फोन है तम कुछ लाइव प्रोग्राम ऐसा करो या तम कुछ मतलब ऐसा जेडी खासकर आज औरत पढ़ लिख गई है जितनी बीमारी दस बीच दो या कोई उन्होंने ऐसे ही मतलब एक रोल मॉडल बन अगे आना चाहिए ताकि हर पेरेंट्स है जो मतलब हर वालदीन जो चाहवा कि हम भी अपनी बच्ची ने इसे आगे बनाओ हम भी अपनी बच्ची ने पढ़ा तो हमारी बच्ची भी यही बने सही है जी तम खुद भी सोशल मीडिया नाल जुड़िया मैं एक दो पेज जेड़ा है उनां नाल तम लाइव प्रोग्राम वगैरह करें इंगस किस तरह आ गया मतलब सोशल मीडिया में जी जी सोशल मीडिया ये थी कि उन मतलब गांव में वो जैसे आता है कि वो सिंगर थी थोड़ी बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतना मेरी पहचान थी तो मेरी एक फ्रेंड थी वे मैंने बहुत फोर्स करे में थी इनफैक्ट है वे मैंने बहुत फोर्स करे में तम अगर निकलो तो मैं इतना इंटरेस्ट पहला नहीं लिया और सही गल पूछी तो प्लेटफॉर्म ही नहीं लगा उन्होंने कोई फिर उन्होंने एक दिन जेके मीडिया के थ्रू मेरे इंटरव्यू किया मतलब इस जबरदस्त फोर्सफुली उन्होंने कह नहीं तू आ यार चलो इंटरव्यू करना जबरदस्ती करा इंटरव्यू करने आप आगे निकलो तो फिर देखो क्या होता है आप आओ तो सही मतलब बहुत बार उसने इंसिस्ट किया मैं आगे उसने जिसका इंटरव्यू दी तो मैं देखियो कि बहुत सारा लोगों ने मेरी पोस्ट लाइक की उन्होंने मैंने अप्रिशिएट की हो बहुत सारा लोगों ने मिला मतलब उसी टाइम इंटरव्यू खत्म होता है मैंने बहुत सारी कॉल आई हाँ कितनी ताकतवर जी बिल्कुल और जिसला मैं अपनी रिकॉर्डिंग आपे सुनी और मीना भी लगो मतलब मेरे हौसले बहुत ज्यादा बढ़ गयो फिर मैं आवाज गुजर का नाल काम करना स्टार्ट कर लियो अच्छा जी कितना एक इंटरव्यू किया है इसलिए जी मैं मीना कम से कम एक महीना तक हो गया वाओ जुड़े हूँ और मैंने पांच छह इंटरव्यू किया देगा पांच छह इंटरव्यू तो मैं की लगे की रिस्पांस है लोगों जी पॉजिटिव रिस्पांस है जी मतलब कि थारो पोस्ट जो है वो ज्यादा अप्रिशिएट की होगी कितना हजार तो भी पूछो की जी मेरा एक पोस्ट का व्यूअर कम से कम 2 लाख के करीब है अच्छा जी वो मैं किए थे जनाब शफीक खान साहब ने ऑल इंडिया रेडियो तो गांव में काला बंधु तिलक रखे वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुए है एक में कल परसों इंटरव्यू किए थे एक यूनिवर्सिटी की लड़की सलीमा चौधरी वो भी बहुत ज्यादा वायरल वो भी 1 लाख क्रॉस कर गए बहुत ज्यादा वायरल हो गए सोशल मीडिया के जरिए कोई पैगाम पहुंचाया जा सके लोगों तक जी कि किस तरह कबीला ना चाहे जा सके किस तरह इसके इसके वास्ते काम किया जा सके काम के संदेश का जी जिस तरह की हम मैं उन्होंने तक ना क्योंकि हर कार में आजकल एंड्रॉइड मोबाइल है लोग इंटरनेट का बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और मतलब वे हर तरह की एक्टिविटीज देखता रहे उसे जिस तरह देखेगा कि कोई गोजरी प्रोग्राम आए हुए जी तो बाकी भी तो देखेगा जो गुजर हुआ ज्यादा ही कंसर्न लाओ कि वो देखो ही देखो भाई गुजरी प्रोग्राम आए जी के लगा या के गावे लगा हम ऐसा करा कि कोई प्रोग्राम करा तो उसमें या किसी शख्सियत ना इनवाइट करा या फिर आप ही किधर लाइव करा उसमें कोशिश करा कि ज्यादा तो ज्यादा लोग किस तरह अट्रैक्ट होगा हमारा प्रोग्राम देखेगा और वे देखे फिर उन्होंने थ्रू उन्होंने जानकारी भी दिया जिस तरह मैं थाराई नाले प्रोग्राम किए थे उसमें बहुत सारा राइट्स था उन्होंने थ्रू आगा किए हुए लोगों ना जिन्होंने मिलने लगा कि 99% लोगों ना नहीं था पता वो की है इसमें बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम है फिर हम उन्होंने एंटरटेन करने वास्ते सिंगिंग वगैरह भी मतलब किसी शायर ना भी दावत दें वे भी आवे वे भी आगे पार्टिसिपेट करें इस तरह मतलब खातून होंगी वजह नाल या एक कबीला के नाल एक औरत होने की वजह नाल तमना नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन करता कि भाई ताम के करने का ये के करने देखो सब तो ताली गला मीना अच्छो लगे तो उन करो दूसरा नंबर अमना सब तो ज्यादा कंसर्न है हमारा कोई फिक्र होती है हमारे हमारे वास्ते हमारी फैमिली
जब हमारी फैमिली ना उन्होंने पता होगा कि हमारी लड़की अच्छा काम कर रही है, वे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और ओबियसली जरा लोग हमारा वेल विशर देगा वे कदे हमारा नेगेटिवली गाइड ना करेगा ना भी नेगेटिव कमेंट छोड़ेगा हमारी वाल पर ना भी ऐसा कुछ भी करेगा, वे हमेशा हमारा पॉजिटिवली वहां कोई गल अगर है भी अगर हमारा कुछ कहना भी चाहेंगे हमारा फेस टू फेस या इनबॉक्स में मैसेज कर रहे, काफी लोग ऐसा भी है वे हमारा के भी है पर कुछ लोग ऐसा है वे डायरेक्टली वाल पर उन्होंने ये लगा कि शायद मतलब लड़की बहुत कमजोर है दो चार गल कहना तो पिछाट जाएंगे पर वे शायद जानता नहीं आज भी लड़की में लगे कि वह एक मर्द तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सही है जी। नाजरीन फरा चौधरी और अनाल मारी गलबात जारी है, आओ इलाका मेंढर बारे जिसके नाल के इनागो ताल्लुक है और उसके बारे में एक दस्तावेजी फिल्म देख लिया फिर अगे गलबात करांगा। पुंछ जिला हेडक्वार्टर तू 60 किलोमीटर दूर ते जम्मू तू 210 किलोमीटर का छिंडावर इलाको मेंढर है। यो इलाको 1947 की तकसीम तो पहला रियासत पुंछ को दिल मन्यो जाय थो, आज भी यो जिला पुंछ को एक काबिले कदर हिस्सो है। 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मेंढर की कुल आबादी 1,12,723 नफूस पर मुश्तमिल है। इसका रहने वाला मां गुजर बकरवाल राजपूत कुरेशी मीर जट कश्मीरी ते दूजी कौम का लोग शामिल है। मेंढर का ज्यादातर ग्राम हिंदू पार्क सरहद पर हकीकी कब्जा लाइन के नाल वाकई हैं। लोग नाइज जिंदा दिल बहादुर ते उच्चा लम्मा डेल डोलाला ते मेला ठेलाना पसंद करना लाए। मेंढर छोटे शाह साहब की जियारत राम कुंड मंदिर कृष्णा घाटी जैसा इलाका भी वजह तो भी मशहूर है। मेंढर इलाका की खास फसल मक ते ताई है जबकि सब्जी मेवा दाल वगैरह भी इस इलाके में पैदा हुई। पहाड़ी सिलसिला पीर पंचाल नाल जुड़ियो वो यो इलाको रियासत का पसमांदा तरीन इलाका में एक है। सरहद पर रोज रोज की गोलाबारी की वजह से यो इलाको तरक्की की दौड़ में खासो पीछे रह गयो है। मौसमी लिहाज नाल मेंढर इलाको ना ज्यादा गर्म ते ना ज्यादा ठंडो है। आज ही दस्तावेजी फिल्म हमने देखी हूं आगे गल बात करा बहुत हूं आ जा गाना अंदर सारो जी दर्द फिर बाकी गल करा कर दे मतलब कोई शुरुआती कोई गाना जड़ा तुमने याद था पहला जी तुमने गाया उसके कोई चीज सुनाओ जी। शुरुआत में पहला तेने स्कूल में तो गल करेगा अगर सब तो पहली शुरुआत गल कर मतलब बहुत सारी पब्लिक में फेस कर रहा तो मैं तुम सुना स्कूल दूसरा हम जब दर्स पढ़ावा ना तो वो तो हमारा मौली साहब आ रहे जुए मारो प्रोग्राम रखे में शुरुआत की और अगर मैंने सब तो ज्यादा मैंने पसंद आया जिनका गाना सब ज्यादा गाऊंगी वो है पंछी। अच्छा अच्छा बोल सुनाओ ना। पंछी बागे लाओ तोरी पंछी बागे लाओ तोरी ऊटो के चंद्र जोरी पंछी बोल तो क्यों नहीं हो पंछी बोल तो क्यों नहीं बोला ता बोल मेरे मखना बोला ता बोल मेरे मखना मेरा याद स्नेहा रखना हो मेरा याद स्नेहा रखना हो पंछी बोल तो क्यों नहीं हो पंछी बोल तो क्यों नहीं। बहुत अच्छा कुछ लोग गीत भी गाया लोग गीत अंदर कुछ मतलब जरा ब्याह शादी में जरा गाना अलग गीत है उन अंदर भी गीत तो जो भी
जी हाँ, ब्याह शादियों में तो मोस्टली वो बचपन से बंदो सुनते रह रहे, और जिसने बंदा तो गानो शौक हुआ तो बंदो देखा गाता मर जा रहा लाल गाने गाते हैं जी जी जी। कोई याद उस तरह की कहीं लोग गीतन के बीच में कोई लाइट मां कोई जी पंछी बाद ब्याह शादियां ला गीत तो मुझे बहुत ही कट याद है, पर मैं बहुत सारा गीत जिसका मतलब बहुत सारी जुबान मां बहुत सारा गीत गाए और गोजरी मां भी गाऊ तो मैं एक गीत सुनाऊंगी जो अयाज सैफ और ने गाए हुए जी हां जी। फिर पानी पर तास कड़िया काए गल अमड़ीगी दस कड़िया काए गल अमड़ीगी दस कड़िया दस कड़िया दस कड़िया। उत पानी गी एक बावे थी उत मनुआ गी एक छावे थी उत पानी गी एक बावे थी उत मनुआ गी एक छावे थी उत मेरी सोनी मावे थी ती नाल से ले चस कड़िया काए गल अमड़ी गी दस कड़िया काए गल अमड़ी गी दस कड़िया दस कड़िया दस कड़िया। बहुत अच्छो जी। कोई म्यूजिक की तालीम वगैरह या मुसीकी की तालीम वगैरह ली किधर? जी नहीं, आज तक मैं किधर तो भी तालीम नहीं ली, इतना है कि कोशिश करूं जिस तरह मतलब शौक है मिलना जिस तरह कोई गानो अगर वो म्यूजिक नाल बचा लो तो हूं कोशिश क्या हर बार यो करूं कि उसने लागा ना नाल प्रैक्टिस भी करूं कि कल मिलना किधर गानो का ऑन द स्पॉट में म्यूजिक लग जाए तो उसके नाता मेरा गान में कोई प्रॉब्लम ना रहे। जी करनी होनी चाहिए जी जी। तो किसी बड़ी मजलिस में गायो आई तो नहीं मतलब किसी बड़ा जी मारो यो इंटर यूनिवर्सिटी फंक्शन तो हमारा डिपार्टमेंट ने हमारे डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करा यूनिवर्सिटी में उसका यूथ हरबा तो उस दिन ने गाई थी पर वह गजल है वह उर्दू माता उदा खान साहब गजल गाई थी जी। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया वो निगाहों से बच कर कहाँ जाएंगे अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया आए बंधन के शहर खामोशा में वो कब्र देखी जो मेरी तो कहने लगे हर आज इसकी तो इतनी तरक्की हुई एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए जो चला रूठ के दिल भर मुझसे खून दौड़ा मेरा कातिल को मनाने के लिए और कहा इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी कयामत से पहले कयामत है यारो मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी। थारो मतलब अगे होके प्लान के करना चाहो जिंदगी में? जी अगे हर इंसान एक मतलब दो तरह लाइफ ना गले का चला एक पर्सनल तो एक प्रोफेशनल जी। प्रोफेशनल लाइफ में पहला तो एमबीए भी होता है अगर मेरी पर्सनल लाइफ की गल करेगा तो हम मतलब के एस वास्ते तैयारी करो ली हम के एस ऑफिसर ही जाना चाहूँ पर नाल नाल अपने सिंगिंग में कंटिन्यू करना चाहूँ एक अच्छी सिंगर बनना चाहूँ। अच्छा जी की कहना चाहेंगी तम अपनी बहना ना जड़ी अपना कबीला भी बहन है उन्होंने की कहना चाहेंगी? वो अपनी कबीला की सारी बहना ना या कहना चाहूँ कि जिस इंसान पैदा हुआ है उसको कोई शौक है हर इंसान को अपना अपना शौक है जैसा मेरे शौक तो गाना काफी जगह ये होगा कि कई जगह हमें अपना शौक दबाना पे किसी मतलब प्रॉब्लम की वजह ना लिया किसी के कोई हेजिटेशन आना किसी भी टाइप की हम उसकी वजह अपना शौक में दबाने की कोशिश करता रहा कई बार हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती उन्होंने यह कहना चाहूंगी कि थारो कोई भी शौक है जिसने लेगा तो हम बहुत अगर चलना चाहें तो हम अपना पेरेंट्स ना आपे कॉन्फिडेंस में लाने लगी तो हम आपे उन्होंने गल करेंगे और दूसरा नंबर तब ना अपना वास्ते आपे जदोजहद करनी पड़ी कोई दो आगे सपोर्ट नहीं करो तो अपना राइट वास्ते अपना हक वास्ते आपे ही लड़ना पड़ो और आपे अगर निकलने वास्ते तो अपना लेवल मतलब किससे पर डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना क्योंकि हर बंदो अपना ही वास्ते सोचा और तो मैंने सबसे पहला अपना वास्ते सेल्फिश हो गया सोचना कि मेरी भलाई किस में है मैं क्या चीज करूं और अपना पेरेंट्स की सपोर्ट ना बहुत अगे निकल जाएगी फिर।
अब उनका मैं कहना चाहूंगी कि दो चीज और हैं, वो भी बहुत अच्छी करूं, एक हूँ बैत गाली और सैफ मलुक, दो चीजें हे खुदा मिले यारा दोस्ताना बिछड़ गया वो फेर दीदार होवे ते सुबह शाम रहती जिंदगी याद अमना, सुबह शाम रहती जिंदगी याद अमना, ते उनको मेल नसीब एक बार होवे। मेरा लगा टाइम मतलब काफी ले लिया तो नाल नाल दो लाइन से अपने लोग उस वक्त शॉर्ट कटिंग मारी। दुश्मन मरता खुशी ना करिए सजना भी मर जाना, दीगर ते दीनो मुहम्मद ओड़क नो डूब जाना, बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा किसकारी, यार मिलन दुख कटन हजारा, शुक्र करा लखबारी, ते दिल बर मुख दिखाम दानाई, दिल बर मुख दिखाम दानाई, दाग मेरा किस तोना, सजन दा दर छोड़ मुहम्मद किस दर जाओ खलोना। बहुत शुक्रिया फराज चौधरी जी, हमारा स्टूडियो में तशरीफ लाया और तुमने इतनी खूबसूरत कर की। नाजरीन सिलानी महाराज का प्रोग्राम को गले मुकर दियो, इजाजत रब रखो। चलो चैत चे तो तेरो नी पुल तो तेरी कसम दे साथ बेसारे नमस्कार।